हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैक के एक नए क्वेश्चन की, जो है बैलेंस पैरेंथेसिस। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, या इंटर्नशिप के टाइम पे या फुल टाइम जॉब के टाइम पे आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है और लोग पूछते भी है। ये स्टैक रिलेटेड क्वेश्चन है, आज हम इसको सॉल्व करके देखने वाले हैं। लीड कोड पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है, हम वहीं से पिक करेंगे और वहीं पे रन करके इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको कर पा रहे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन दिया गया हुआ है वैलिड पैरेंथेसिस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका जो लेवल है वो इजी लेवल है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है स्टैक की हेल्प से आप बहुत इसको आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है, गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेन अ कैरेक्टर। अब क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कैरेक्टर्स कंटेन है। कैरेक्टर्स में क्या हो सकते हैं, आपके पास पैरेंथेसिस हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कि जैसे आप याले ब्रैकेट देख रहे हो, ये दूसरा वाला ब्रैकेट देख रहे हो, ये तीसरा वाला। और आपको क्या बोला जा रहा है कि ये पैरेंथेसिस जो आपको स्ट्रिंग मिल रही हो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस कैसे आप पता लगाओगे, जैसे आप ये लास्ट वाले में देख रहे हो, एक पैरेंथेसिस ओपन दूसरा हो रहा है, क्लोज दूसरा हो रहा है, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसी हो सकती है कि ये पैरेंथेसिस ओपन हुआ, ये पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, सेम टाइप का, ठीक है, लेफ्ट और राइट सेम मैच किया, तो हमने ट्रू बोला। अब ये सेकंड वाले में क्या, ये एक पैरेंथेसिस बना, ठीक है, तो ये मैच कर गया, दूसरा बना ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला, तीसरा बना कर्ली ब्रैकेट वाला, तो ये तीनों के लेफ्ट राइट अवेलेबल थे, तो ये तीन टाइप से हमारे पैरेंथेसिस जनरेट हुए और ये जो स्ट्रिंग है वो वैलिड है, इसलिए हमने ट्रू रिस्पॉन्स में रिटर्न किया है। यहाँ पे आप रूल देख सकते हो, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर, एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ ए करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप, मतलब जो भी क्लोज हो रहा है ब्रैकेट उसके करस्पॉन्डिंग में जो ब्रैकेट है वो सेम टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखने की कोशिश करूँ इसको, जैसे यहाँ पे भी हमने कुछ एग्जाम्पल लेके रखे, पहला एग्जाम्पल ये है, इसका जो आउटपुट आ रहा होगा ट्रू आ रहा होगा, इसका जो आउटपुट आ रहा होगा ये भी ट्रू आ रहा होगा, कैसे कि ये एक मैच करा, फिर ये एक मैच करा, लेफ्ट और राइट मिल गया उसको, और ये एक मैच करा स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ठीक है। अगर मैं नई स्ट्रिंग ले लेता, कुछ ऐसा लिखता मैं, ऐसा ऐसा, तो ये क्या मैच करता, देखो ये और ये मैच कर रहे हैं लेफ्ट और राइट, बट ये दोनों मैच नहीं कर रहे, ये डिफरेंट टाइप हो गया, तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए फॉल्स आना चाहिए, किस लेफ्ट और राइट तो मिले बट सेम टाइप के नहीं मिले मुझे, तो मैं इसका आउटपुट फॉल्स दूंगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन में बोला है। ओके, इतना मुझे समझ में आया। एक और स्ट्रिंग एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा दे दूँ, ये ठीक है, क्या बोला है, तो हमारा एक ये हो जाएगा पेयर, एक पेयर ये हो जाएगा, बट ये जो क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका ओपन ब्रैकेट है ही नहीं हमारे पास, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो होपफुली अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इनपुट देख के, स्ट्रिंग को देख के बता रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस वाली स्ट्रिंग है या नहीं है, ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब बात है कि इसको करना कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो भी समझ लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने बोला इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका, आप स्टैक बिहेवियर को यूज़ करो। स्टैक बिहेवियर को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो समझते हैं। जैसे मैं ये एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, और ये आपके पास स्टैक है। स्टैक में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग पे ट्रावर्स करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये स्ट्रिंग पे हम ट्रावर्सिंग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या हम ट्रावर्स स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग पे, वन बाय वन जो ब्रैकेट्स हैं हमारे उसके पास जाएंगे और उसको इंसर्ट करेंगे हम स्टैक के अंदर। ये हो जाएगा हमारा स्टैक, हमने पहला पैरेंथेसिस को इंसर्ट कर दिया स्टैक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रूल क्या रखना है, हमें रूल रखना है कि जो स्टैक, जो हमारी पैरेंथेसिस है वो ओपन होना चाहिए। अगर आपको ओपन ब्रैकेट मिलता है, ओपन ब्रैकेट किस टाइप से हो सकते हैं, ओपन ब्रैकेट तीन हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, पहला हो सकता है ये, दूसरा हो सकता है ये, तीसरा हो सकता है ये, ठीक है, ये तीन टाइप के आपके पास ओपन ब्रैकेट्स हो सकते हैं। ओके, ये तीन टाइप के,
तो जब भी आपको ओपन ब्रैकेट मिलेगा, आप क्या कर रहे होंगे, उसको इंसर्ट कर दे रहे होंगे स्टैक के अंदर। जैसे हमें पहला ओपन ब्रैकेट मिला, हमने इंसर्ट कर दिया, दूसरा ओपन ब्रैकेट मिला, हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्लोज ब्रैकेट जब मिलेगा, जैसे आपने जब इटरेट करना चालू किया तो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट आपने स्टैक में डाल दिए, फिर आप यहाँ पे हो, आपको ये क्लोज पैरेंथेसिस मिला, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि जब आपको क्लोज पैरेंथेसिस मिलेगा तो आप चेक करोगे स्टैक के अंदर क्या इसका ओपन पैरेंथेसिस प्रेजेंट है। अगर इसका ओपन पैरेंथेसिस आपको मिल गया, आप बोल दोगे कि भाई ये बैलेंस वाली चीज़ मिल गई है, और यहाँ से आप इसको हटा दोगे क्योंकि आपको एक बैलेंस ये मिल चुका है, ये वाला, ठीक है, आपको ये मिल चुका है, इतना मुझे समझ में आया, वो मिल चुका है तो मैंने स्टैक के अंदर से उसको उड़ा दिया। ओके, ये समझ में आ गया। फिर हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे, नेक्स्ट वाले पे क्या जाएंगे, नेक्स्ट वाले पे हम इस पे आ जाएंगे। अब फिर से क्लोज मिला हमें, अब हम फिर से स्टैक में चेक करने वाले हैं कि भाई ये जो क्लोज का ओपन पैरेंथिस प्रेजेंट है क्या, मतलब कर्ली ब्रैकेट अगर आपको क्लोज मिलता है ट्रावर्स के टाइम, तो आप स्टैक में देखोगे क्या इसका लेफ्ट वाला पैरेंथिस या कर्ली ब्रैकेट प्रेजेंट है क्या। ओके, तो ये फिर से प्रेजेंट मिला आपको, ये एक और पेयर मिल गया, मतलब अभी भी आपका बैलेंस जा रहा है स्टैक, ठीक है, बैलेंस जा रही है, पूरी जो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ है वो बैलेंस जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, जब भी आपको वो मिलेगा आप स्टैक के अंदर से डिलीट कर दोगे। फिर हम ट्रावर्स करना और स्टार्ट करेंगे, और आगे जाएंगे, हम पहुँचे यहाँ पे, अब ओपन ब्रैकेट मिला। जब भी आपको ओपन ब्रैकेट मिलेगा आपको क्या करना है, स्टैक में इंसर्ट करना है। ओके, ये बात हमें समझ में आई, ओपन मिला फिर से हमने इंसर्ट कर दिया, फिर उसके बाद क्लोज आया तो हमने चेक किया क्या ओपन ब्रैकेट प्रेजेंट है क्या स्टैक के अंदर, तो भाई प्रेजेंट था, ये भी बैलेंस्ड है, और ठीक है हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं क्योंकि हमको जब राइट वाला ब्रैकेट मिला तो हमने लेफ्ट वाला चेक किया स्टैक के अंदर कि टॉप पे प्रेजेंट है क्या, तो प्रेजेंट था, ठीक है, तो हमने स्टैक के अंदर से रिमूव कर दिया और हमारी स्ट्रिंग भी ख़त्म हो गई। एट लास्ट हमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करना था। तो जब आपकी अगर स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती है और स्टैक के अंदर भी कोई एलिमेंट बचता नहीं है, जैसे इस केस में हुआ, इस केस में हमारे सारे एलिमेंट ख़त्म हो गए स्टैक के अंदर, सबको हमने रिट्राइव कर दिया, जो लेफ्ट थे और राइट थे दोनों इक्वल थे। जैसे आप यहाँ काउंट करोगे तो लेफ्ट वाले कौन कौन से, एक ये लेफ्ट हो गए तीन, ये राइट हो गए तीन, ओके, तीन और तीन छः, तो हमने तीन इंसर्ट कर दिए स्टैक के अंदर और ये तीन की हेल्प से इसको रिमूव कर दिया स्टैक के अंदर से, तो लास्ट में हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। और स्टैक एम्प्टी होने का मतलब ये है कि आपके कोई एलिमेंट अब बचे नहीं है और आपकी स्ट्रिंग भी ख़त्म हो चुकी है, ट्रावर्स आपका पूरा हो चुका है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे अगर स्टैक एम्प्टी है, st.empty है, तो आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। अगर स्टैक में कोई वैल्यूज़ बची है, ऐसी ऐसी कुछ भी बची है स्ट्रिंग की वैल्यूज़, और आपका ट्रावर्सल ख़त्म हो गया, तो आप बोल दोगे फॉल्स अगर स्टैक में वैल्यूज़ है तो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब हम इसको कोड करके देखेंगे, कोड भी बिल्कुल ईजी होने वाला है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आपको बस चेक करना है कि जो लेफ्ट है और राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस सेम है कि नहीं, नंबर ऑफ जो उसके काउंट है वो सेम है कि नहीं, और जैसे अगर आपके पास दो स्क्वायर ब्रैकेट है तो आपको राइट में भी दो स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, दोनों चीज़ें आपको चेक करना है। अगर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, मतलब नंबर ऑफ पैरेंथेसिस इक्वल है लेफ्ट और राइट, तो आपका बैलेंस हो जाएगी स्ट्रिंग। ओके, इतना मुझे समझ में आया, चलो अब इसको करते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उसमें स्टैक बना देंगे, ठीक है, ये हमने स्टैक बना दिया st। ओके, हम लूप चला देंगे, किस पे, स्ट्रिंग पे, हमने क्या किया, लूप चला दिया। लूप चलाने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, कैर वेल s, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें एक एक, ये हमारा लूप है, इसमें एक एक कैरेक्टर आते जाएगा वेल के अंदर। ओके, इतना मुझे समझ में आया। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है इफ़ st.empty, क्या स्टैक एम्प्टी है क्या, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, तो हम पुश कर देंगे हमारे स्टैक के अंदर, तो हमने पुश कर दिया vl को। ओके,
ये हमने पुश कर दिया। else if में आपको क्या लिखना होगा, आपको कंपेयर करना होगा। कंपेयर किस चीज़ का, एस टी डॉट टॉप पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है। अगर एस टी डॉट टॉप पे आपको मिलता है कुछ ऐसा, ओके, एंड वेल में आपको मिल जाता है ऐसा, ठीक है। ये एक सिनारियो बन गया, ठीक है, कि आपके एस टी डॉट टॉप पे लेफ्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस प्रेजेंट है और जो आपके पास करंट वैल्यू है उसमें राइट है, तो आप क्या करोगे, वो स्टैक में से वो एलिमेंट हटा दोगे, ओके, सिंपल सा। ये तो हो गया आपका पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो आपका क्या बन सकता है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सिनारियो। इसको आप इसमें ब्रैकेट में लग सकते हो और लगा दो आप, और सेम चीज़ को आप कॉपी कर लो, ओके। ये सेम चीज़ को मैंने कॉपी किया, यहाँ लिख दिया। अगर आपके पास इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये मिला, ठीक है, अगर आपको स्क्वायर स्क्वायर पैरेंथेसिस मिला तो ऐसा कुछ रहा, तब भी आपको वही चीज़ करना है, डिलीट कर देना है स्टैक में से। और अगर आपको ये वाला पैरेंथेसिस मिला, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट मिला, तब भी आपको डिलीट कर देना है एस टी डॉट पॉप। इतना हमें समझ में आया, ओके। अब या तो आपको ये सिनारियो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आपने देखा कि ये जो एस टी है वो एम टी है, ओके, और पहले से मतलब आपके पास ये ब्रैकेट भी नहीं मिला आपको स्टैक के अंदर, ये ब्रैकेट भी नहीं मिला, ये ब्रैकेट भी नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, मतलब उस समय कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो एस टी डॉट पुश कर दोगे आप उस समय, पुश जो भी वेल के अंदर है, ओके। ये लगा दिया हमने। एट द लास्ट जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपका ये लूप ख़त्म हो जाएगा, आप यहाँ सिर्फ इतना चेक करोगे एस टी डॉट एम टी, अगर एस टी डॉट एम टी है तो आपको रिटर्न ट्रू करना है। ऐसा भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो एस टी डॉट एम टी, ठीक है। अगर एस टी डॉट एम टी है इक्वल इक्वल टू ट्रू, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो हम ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं, पहले देख लेते हैं रन करके कि हमारा आउटपुट जो है वो सही बना है कि नहीं, या कोई दिक्कत आ रही है, देखो अभी तो सही दिखा रहा है। इसको अगर मैं सबमिट करने की कोशिश करूं तो देख लेते हैं सबमिट करके कि हमारा सही चल रहा है कि नहीं, तो हाँ हमारा सही चल रहा है, एक्सेप्ट हो चुका है सॉल्यूशन। अब इसको एक और बार अच्छे से समझ लेते हैं, हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक पहले स्टैक बनाया, उसमें क्या किया, अगर हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता था, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो या नॉर्मल पैरेंथेसिस हो, तीनों में से कुछ भी मिलता था तो हम उसको पुश कर देते थे। जब हमें राइट मिलता था तो हम स्टैक के टॉप पे जाके चेक करते थे क्या टॉप पे लेफ्ट प्रेजेंट है, अगर हमें ये मिला राइट पे तो हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे और उसमें से पॉप कर देंगे, या तो हमें अगर ये मिला, ठीक है, करंट टाइम पे, तो हम ये स्टैक के अंदर जाके ये चेक करेंगे, ये प्रेजेंट होगा तो पॉप कर देंगे, अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो हम पुश करते चलेंगे। और लास्ट में क्या सिनारियो है, अगर बैलेंस होगा तो आपको पता होगा कि स्टैक एम्प्टी है, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो आपको पता होगा कि स्टैक कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है जो हम हटा नहीं पाए हैं, ओके। तो इसके ज़रिए आप पता कर पा रहे होंगे कि जो स्टैक हमारा बैलेंस है या वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं, या वैलिड हमारी स्ट्रिंग है या नहीं, ओके। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है। बढ़िया से इसको बनाइए, अलग अलग अप्रोचेस से आप बना सकते हो, अलग अलग तरीके से, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया, यही तरीका आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत सही तरीके से इसमें समझ में आता है। होपफुली आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सीरीज़, कनेक्टेड रहिए सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय, सिया, हैव अ गुड डे।